सबका जी सलामकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारा रहमान इज़ अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट अल्फला सिक्योरिटीज। सारा फ्लोर इज़ योर्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। यू कैन ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड देन आई विल पुट माई फर्स्ट क्वेश्चन। माय नेम इज सारा रहमान एंड आई एम अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट अल्फला सीएलएस सिक्योरिटीज। और इससे पहले जो है मैंने एमसीबी आरिफ अबीब में जो है वो 5 ईयर्स एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम किया है। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर को मैं कुछ अर्से से कवर कर रही हूँ। इसके अलावा जो मेरे प्राइमरी सेक्टर्स हैं वो हैं बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ऑटोज़। तो आज हम टेक्सटाइल के, क्योंकि रिसेंटली जो ये हॉट टॉपिक चल रहा है काफ़ी, तो टेक्सटाइल के बारे में आज कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान का और करेंटली क्या चल रहा है सेक्टर में, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते हैं वो देंगे। थैंक यू सारा। जो चले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि इस सेक्टर के टॉप प्लेयर कौन से हैं और वो कौन सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, व्हाट डू दे प्रोड्यूस, और इस सेक्टर में लोकल लीडर्स कौन हैं वर्सेस द एक्सपोर्ट मार्केट लीडर्स। सो एक लिल बिट इंट्रोडक्शन से चलते हैं ताकि एक लेमैन भी अंडरस्टैंड कर सके बिफोर इन्वेस्टिंग इन सेक्टर के ये सेक्टर करता क्या है, कौन सी कंपनीज हैं इसमें। अच्छा, मैं बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन लूंगी इसका। जैसे आपने कहा कि एक लेमैन भी समझ सके, तो ओवरऑल जो है ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है। तकरीबन 60% जो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इसकी चेन समझने की कोशिश करें तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जिनिंग से स्टार्ट होता है। जिनिंग ये होती है कि कॉटन जो बिल्कुल बॉल्स की फॉर्म में होता है पौधे पे, उसको उठाते हैं और उससे जो है सीड को क्लीन करते हैं और उसके बाद जो है आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो उसके बाद होती है वीविंग। अच्छा, वीविंग में ये होता है कि जेनिंग के बाद उसको धागे की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है और फर्दर उससे आगे जाके फिर कपड़ा बनाया जाता है। अच्छा, ये हो गया नॉन वैल्यू एडेड पार्ट। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन स्टार्ट होती है उसमें ये होता है या तो डाइंग होती है या तो प्रिंटिंग होती है, और उसके बाद उससे या तो जैसे पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स होते हैं होम टेक्सटाइल्स और रेडीमेड गारमेंट्स या नेटेड प्रोडक्ट्स, वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे आपका प्रोडक्ट्स वाला पार्ट भी आ गया कि पाकिस्तान में जो प्राइमरीली है वो है स्पिनिंग, जो कि जैसे बताया कि धागा बनाया जाता है, और वीविंग जो कि कच्चा कपड़ा या ग्रे क्लॉथ कहलाता है। ये मेजर पोर्शन है पाकिस्तान में जो है। 1000 से ऊपर जो है वो जिनिंग फैक्ट्रीज हैं और इसके अलावा जो है वो 500 से ऊपर जो है वो स्पिनर्स हैं। इसके अलावा जो उसके बाद वो वैल्यू एडेड सेगमेंट है वो जो है एज वॉल्यूम टर्म्स एज कम्पेयर टू द नॉन वैल्यू एडेड छोटा पोर्शन। अगर मैं एक्सपोर्ट और लोकल को ब्रेकअप करके देखूं तो एक्सपोर्ट जो हमारा होता है ना वो ज़्यादा वैल्यू एडेड होता है, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके जो हमारे कंपेटिटर्स भी हैं बांग्लादेश और वियतनाम, वो भी वैल्यू एडेड में काफ़ी आगे हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है वो मेजोरिटी वैल्यू एडेड जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, प्लेयर्स जो हैं हमारे, मैं लिस्टेड स्पेस को ज़्यादा फोकस करूंगी सिंस हम इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो उसमें जो प्लेयर्स हमारे बड़े बड़े हैं जो कि कॉम्पोजिट्स कहलाते हैं, बाकी जैसे मैंने बताया कि स्पिनर्स तो मतलब ये कि 500 से ऊपर स्पिनिंग फैक्ट्रीज हैं और जेनर्स जो हैं वो 1000 से ऊपर हैं। तो जो कॉम्पोजिट्स हैं, कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है कि जो स्पिनिंग भी कर रहे हैं, वीविंग भी कर रहे हैं, डाइंग भी कर रहे हैं, और मतलब पूरी जो चेन है उसको कवर कर रहे हैं। तो वो हैं गुलेमत, इंटरलूप, निशात मिल्स, निशात चुनिया, कोहिनूर टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। तो ये 5-6 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि लिस्टेड भी हैं और ये काफी बड़ा पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। मैं एक रफ नंबर निकाल रही थी फॉर फिस्कल ईयर 22, तो उसके हिसाब से जो इन 5-6 प्लेयर्स ने एक्सपोर्ट किया है वो $2 अरब के करीब किया है आउट ऑफ $19 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट्स। तो इसके अलावा जो लोकल है, लोकल साइड पे जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं, और इन बड़े प्लेयर्स में अगर मैं लोकल का लीडर आपको बताऊं तो उसमें गुलेमत और निशात की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी है। गुलेमत तो इनफैक्ट अच्छा खासा लोकल में प्रेजेंट है, और उसके बाद जो है वो निशात जो है वो भी काफ़ी बड़ा है।
अगर मैं एक्सपोर्ट टर्म्स में देखूँ तो एक्सपोर्ट में भी इंटरलूप वन पे आता है, क्योंकि वो प्योरली एक्सपोर्ट बेस्ड है, उसका 95% इज एक्सपोर्ट्स, वैल्यू टर्म्स में बात कर रही हूँ, और उसके बाद जो है वो गुलेमत और निशात मिल्स आते हैं। अगर मैं अनलिस्टेड स्पेस में चली जाऊं तो उसमें एक दो तीन प्लेयर्स हैं जो कि बड़े हैं, वो एक स्टाइल टेक्सटाइल्स है, एक है यूनुस टेक्सटाइल्स, और इसके अलावा जो लिस्टेड में एक और है आर्टिस्टिक डेनिम, तो ये भी सारे बड़े प्लेयर्स हैं ओवरऑल टेक्सटाइल्स में। इसके अलावा कॉटन पे आ जाते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान फोर्थ टू फिफ्थ, मतलब कभी फोर्थ होते हैं कभी फिफ्थ होते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, और पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी इन एशिया आफ्टर चाइना एंड इंडिया। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कॉटन प्रोडक्शन हमारी जो है वो इतनी हिट हुई है और इतनी कम है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है बाकी, और पिछले 7-8 सालों में ये काफ़ी नीचे आई है तकरीबन, और इस साल तो फ्लड्स की वजह से जो है वो 40 से 45% का जो है वो हम डिक्लाइन देख रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कॉटन प्रोड्यूसर्स। अच्छा, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सारा। अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, निशात जो लिनन है इसको कौन ओन करता है, जो कि यूएई में मैं काफी उसकी ब्रांचेस देख रहा हूँ, ये एक्सपेंड भी कर रहे हैं, इसको चूनिया ओन करती है या निशात लिमिटेड ओन करती है इसको, जो आउटलेट्स हैं इनके? निशात लिनन के आउटलेट्स की बात कर रहे हैं? जी, जो शोरूम्स हैं इनके फॉर जी लेडीज जी जी क्लॉथ्स। इसको मेरे ख्याल में निशात मिल्स ओन करती है, आई विल हैव टू कंफर्म दैट वैसे, लेकिन जितना मेरी मेमोरी है निशात मिल्स इसको ओन करती है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, सीमेंट में भी आता है, स्टील में, कि फ्लड्स का इस सेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ्लड्स ने कॉटन को डिस्ट्रॉय किया है, और लेकिन अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बात करता हूँ जो जिनिंग वगैरह का करते हैं काम, या वो तो कोई रेट ही नहीं दे पा रहे इस तरह, कोई मुझे तो समझ नहीं आई कि फ्लड का क्या इम्पैक्ट है। अगर आप थोड़ा सा हमें वो एक्सप्लेन कर दें कि ये जो मार्जिन्स का टेक्सटाइल कंपोजिट पे या फर्म पे या स्पिनिंग वेविंग का जो बिजनेस है, इस पे किस तरह ये ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है इन पे, या क्या सिचुएशन है मार्जिन्स की भी? अच्छा, मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जो कॉटन अराइवल्स पे हम बात करते हैं, होता ये है कि तकरीबन अगस्त सितंबर से जो है ना कॉटन अराइवल्स फ्रॉम सिंध एंड पंजाब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो होता ये है कि जितनी भी कॉटन की जरूरत होती है ना, तो ये जो स्पेशली जो ये बड़े कॉम्पोजिट्स होते हैं, क्योंकि इनके पास वर्किंग कैपिटल होता है अच्छा खासा, तो ये क्या करते हैं कि पहले से खरीद के रख लेते हैं, तो बाय दिसंबर ना इनकी तकरीबन 70% नीड का ये रखा हुआ होता है इनके पास, 60 से 70%, और बाकी ये इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, दैट्स द नॉर्मल साइकिल, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ सालों से जैसे मैंने मेंशन किया था कि कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत हिट हुई है। अच्छा, अब फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन जो असेस किया जा रहा है वो 40 to 50% कह रहे हैं क्रॉप डैमेज हो जाएगी, तो जो इनिशियली 9 मिलियन बेल्स की अजम्पशन थी, तो ये उससे काफी कम प्रोड्यूस होगी, 5 मिलियन, 5.5 मिलियन बेल्स पे ये चले जाएगा इस साल। तो होगा ये कि जो बड़े कॉम्पोजिट्स हैं वो अभी भी खरीदेंगे और वो अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं होगी और रेस्ट ऑफ द कॉटन उनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट वो पहले भी करते थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ काउंट्स इम्पोर्ट करते थे जो कि पाकिस्तान में सुपीरियर क्वालिटी के काउंट्स बनते नहीं थे, इसलिए वो इम्पोर्ट करते थे। अब मसला ये होगा कि जो काउंट यहाँ बन रहा था वो भी उनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डेफिनेटली जब इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन सेट होंगे, ये तो एक बहुत ही मतलब क्रूड सा एनालिसिस है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब स्पिनिंग के मार्जिन्स क्या होंगे, अब जैसे कॉटन की कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन्स जो डायरेक्ट स्पिनर्स है ना उनके तो फॉरन हिट होंगे, क्योंकि होता ये कि जो वैल्यू चेन होती है ना, तो उसमें जो स्पिनर होता है वो सब जिसका स्पिनिंग का कंपोनेंट बड़ा होगा वो डायरेक्ट हिट होगा, फिर चेन में जैसे जैसे आगे जाते हैं ना वो इम्पैक्ट कम होता जाता है, क्योंकि जैसे अभी हुआ था पिछले कुछ 7-8 महीने में, अगर आप कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट्स देखें
बल्कि एक साल के देखें तो बहुत स्पिनर्स के प्रॉफिट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हुए हैं। तो जो ये वाले प्रॉफिट्स जो स्पिनर्स के हैं ना, ये हुए इसलिए थे कि जो कॉटन प्राइसेस है ना वो बढ़ रही थी और इनके पास पड़ी हुई थी सस्ती इन्वेंट्री। अब जब कॉटन प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये वाला फिनोमिनन रिवर्स भी होगा। इसी तरह जब यहाँ पे इनको अनफेवरेबल प्राइसेस मिलेंगी, जब कॉटन प्राइस बहुत हाई, मतलब जाहिर बात है जब इनको मंगवाना पड़ेगा तो फ्रेट चार्जेस भी लगेंगे, और जब ये प्राइसेस इतनी हाई होंगी तो इन स्पिनर्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिनके पास स्पिनिंग प्लस वीविंग है उनके मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऊपर से कॉटन प्राइसेस जो है वो रिवर्स ट्रेंड दिखा रही है तो वहाँ इन्वेंट्री लॉसेस भी आएंगे। तो एक तो ये फ्लड का इम्पैक्ट हो गया और एक ही दूसरा इम्पैक्ट हो गया, तो मिला के ओवरऑल स्पिनर्स और वीवर्स जो कि अब मैं अगर आपको लिस्टेड स्पेस से बताऊं तो गदून टेक्सटाइल, कोहिनूर टेक्सटाइल, निशाद चुनिया, इनका पोर्शन स्पिनिंग और वीविंग का काफी बड़ा है, तो इनको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जो कॉम्पोजिट्स हैं उनको एज कम्पेयर टू देम जो स्पिनिंग और वीविंग वाले प्लेयर्स हैं उनसे थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली उनके मार्जिन भी हिट होंगे। थैंक यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रिलेटेड है, वो है गैस। हम सबको पता है कि जो गैस की सिचुएशन है, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि गैस इनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे कंटिन्यू रहे, मिलती रहे। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो इस जो एक चैलेंज है उसको मैनेज कर पाएंगे, या ओवरऑल इस गैस का क्या इम्पैक्ट आएगा? अच्छा, गैस का बेसिकली यू राइट कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और इस साल भी हमें ये लग रहा था कि सब्सिडी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं की, लेकिन जो फिस्कल साइड को अगर हम देखें तो उससे तो डेफिनेटली अगर हम आज खड़े तो इनको आज नहीं तो अभी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दे विल हैव टू डिसकंटिन्यू फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं है फिस्कल साइड पर। तो अगर ये डिसकंटिन्यू होता है तो इसमें अच्छा मैं आपको पहले मिक्स थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे ये जो मैंने अभी जितने लिस्टेड प्लेयर्स बताए थे तो इसमें फॉर एग्जांपल निशाद चुनिया, इट्स ऑलरेडी ऑन 60-70% ऑफ कोल, इसके अलावा इनके पास एफओ की भी सोर्स है एंड दे हैव ग्रिड कनेक्शन एज वेल। अगर हम निशाद मिल देखें तो निशाद मिल के पास कोल तो नहीं है लेकिन दे हैव अदर सोर्सेज एज वेल, एफओ एंड ग्रिड। इसके अलावा जो है इंटरलूप और गुल अहमद ऐसे दो प्लेयर्स हैं जो कि अभी गैस पे चल रहे हैं, गुल अहमद नेचुरल गैस पे चल रहा है और इंटरलूप जो है वो आरएलएनजी पे चल रहा है, लेकिन ये कि इंटरलूप को भी प्राइसिंग क्योंकि एक्सपोर्ट वालों को जो है वो फेवरेबल मिली हुई है तो इंटरलूप इसलिए बचा है। तो डेफिनेटली जब गैस क्राइसिस होगी और गैस शॉर्टेज होगी तो एक तो वो मसला होगा और ऊपर से जो ये सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी तो वहाँ भी जो है वो इंटरलूप जो है वो हिट हो सकता है, और एनएमएल जो है वो प्रॉब्ली थोड़ा बहुत हिट होगा बिकॉज सोर्सेज तो सबके पास है लेकिन वही है कि कितना पोर्शन है वो डिपेंड करता है। तो इंटरलूप एंड एनएमएल जो है आर मे बी हिट बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, इंटरलूप को आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर आपके इसके हिस्टोरिकल नंबर्स कोई भी रन करें तो आप ये देखेंगे सबसे स्टेबल मार्जिन जो है ना वो इंटरलूप के रहे हैं। तो अगर इसको आरएनजी भी मिलती है और नॉर्मल रेट पे भी मिलती है तो डेफिनेटली मार्जिन हिट होंगे, बट एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स मुझे लगता है कि इसको हिट कम पड़ेगी। इसमें होगा ये कि फिर ये पास ऑन भी उसी तरह करेगा जो इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, सिंस ये 100% एक्सपोर्ट बेस्ड है तो इसके जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं ना उनसे इनकी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसके बाद जो अपवर्ड रिविजन मिलता है ना प्राइसेस में वो इनको अच्छा मिल जाता है। इनके काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं और काफ़ी ये एसेंशियल सप्लायर हैं टू एडिडास, नाइकी और इसके अलावा टारगेट एंड मैनी अदर्स, तो इस वजह से इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा हिट नहीं होते। बट डेफिनेटली जैसे अगर अभी ये 28-29% के मार्जिन बना रहे हैं तो मे बी ये 22-21% पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा चुनिया जो है जैसे मैंने मेंशन किया कि कोल पर है तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गुल अहमद को अगर ये अभी तो नेचुरल गैस मिल रही है तो इधर हिट नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्सिडी डिसकंटिन्यूएशन, लेकिन क्योंकि गैस क्राइसिस भी चल रही है और अगर इसको भी आरएलएनजी पे डाइवर्ट करते हैं तो वहां से प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर मुझे कोई इन सारों में कोई एक बेस्ट बताना हो इन टर्म्स ऑफ गैस तो वो हो जाएगा गुल अहमद, और अगर वर्स्ट हिट में बताऊं तो आपको तो वो फिर मे बी एनएमएल और इंटरव्यू। सही है,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट्स। तो अभी एक्सचेंज रेट तो काफी देर से काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है क्या सिचुएशन होगी, और जिस तरह बिल्कुल की ये रिस्ट्रिक्शंस भी लग रही हैं डॉलर्स वगैरह पे, तो दिस जी लुक्स क्वाइट ऑब्वियस कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट कर रही हैं वो अपने डॉलर, व्हाई विल दे ब्रिंग देयर डॉलर्स इनसाइड द कंपनी, मे बी वो आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान डॉलर्स को पार कर दें। तो इस सिचुएशन का इन्वेस्टर्स पे या शेयर होल्डर पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर मैंने किसी कंपनी में इंटरलूप में या किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि, वैसे यू आर राइट कि जो सिचुएशन हो रही है एक्सचेंज रेट की, यू आर क्वाइट राइट कि अभी कुछ भी नहीं पता, डॉलर्स तो अवेलेबल ही नहीं है, तो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे काफ़ी फार फेच्ड लगती है ये चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता कि होने देगी कि मतलब डॉलर्स आपको बाहर पार्क करने की इजाज़त मिल जाए इस तरह। तो फिर कोई भी एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी होगी और स्पेसिफिकली टेक्सटाइल होगी, तो फिर वो यहाँ पे ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि इन्होंने इनको इतने सारे इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, गैस भी सब्सिडाइज दी हुई है, इसके अलावा इन जनरल एक्सपोर्ट सेक्टर को इतने इंसेंटिव्स मिले हैं, सो दे हैव दोस टूल्स कि ये इनको रोक सकें। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से मतलब कि बाहर जाके वो पार्क करेंगे, या अगर सही करना भी चाहें तो गवर्नमेंट विल नॉट लेट देम डू दिस। सही सही। और ये शायद इनकी फेवर में भी जा सकता है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इंपोर्ट भी करेगा रॉ मटेरियल, और परहैप्स वहां पे कुछ सेटल भी कर सकें जो पैसे होंगे एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट का भी। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मतलब, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे अभी एलसीज खोलने का इतना मसला चल रहा है, तो अगर आप उन टर्म्स में देखें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे वो कुछ अमाउंट सेटल कर लें। ऑब्वियसली पूरा जी तो नहीं होगा, बट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट, यस। जी अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अभी तो हर एक को पता है कि जो यूएस या यूरोप वगैरह वो रिसेशन में इंटर होगा कुछ क्वार्टर्स के बाद, तो एक नेचुरल लोगों का रिस्पांस होता है कि अगर रिसेशन होगी यूरोप अमेरिका में तो हमारी जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर है वो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आईटी का भी लोग समटाइम कहते हैं कि हिट करेगा ड्यू टू रिसेशन। तो लेकिन अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स देखें वो तो बढ़ रही हैं, उनको तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये विदड्रॉल ऑफ सब्सिडीज है या कि एक रेंट सीकिंग बिहेवियर ऑफ आवर टेक्सटाइल कंपनीज है? तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती, मिसमैच है, अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि इश्यूज क्या हैं। अच्छा, और इन एक और जनरल अभी तो डिस्कशन एक और डिस्कशन मैं सुन जी रहा था पिछले हफ्ते, एक कोई थे बड़े जज्बाती बता रहे थे कि देखें आपने एक्सचेंज रेट को जितना भी ऊपर ले गए तो आपकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी नहीं, देख लें अगर जितनी भी सब्सिडीज दी हैं आपने टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा तो हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा लोग भी अब ना फेडअप हो गए हैं कि कितनी देर आप किसी को सपोर्ट करेंगे किसी सेक्टर को। जी ये मैं पहले सेकंड वाली बात से पहले कमेंट करती हूँ। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, क्योंकि एक सेक्टर को आप एक हद तक सब्सिडी दे सकते हैं, देन इट हैज टू ग्रो ऑन इट्स ओन। तो मतलब कि वही बात है, अगर हम बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना, ये वाली, चलिए चाइना तो पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं है, बट बांग्लादेश और वियतनाम भी देखें और उनकी ग्रोथ देखें और अपनी देखें, तो इट इज क्वाइट एविडेंट कि हम काफी पीछे हैं। तो इट इज ट्रू कि हम सब्सिडी एक हद तक दे सकते हैं और उसके बाद दे हैव टू मूव ऑन देयर ओन। तो ये तो मतलब एक डिलेमा है हमारा। गिवन दैट, ये जो हम बांग्लादेश की बात अभी आप कर रहे हैं, वो मैं भी देख रही थी कि बांग्लादेश के जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि उसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ था कि दे रिकॉर्ड हाइस्ट मंथली एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवर $5 बिलियन इन द मंथ ऑफ नवम्बर। तो जो, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं वियतनाम देखूं और चाइना वगैरह देखूं, और इस पे हमने बेसिकली एक रिपोर्ट भी लिखी थी, तो उसमें बड़ा सा ग्रिम आउटलुक दिया हुआ था फॉर द होल रीजन। तो उसमें वियतनाम भी था, उसमें चाइना भी था, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी थे, लेकिन
आई एम ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज कि ये बांग्लादेश का जो नंबर है ये तो एक्चुअली बढ़ा जा रहा है, और मतलब इट्स हिटिंग रिकॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। और उसमें काफी आर्टिकल्स मैंने देखे, तो उसमें उन्होंने यही इंडिकेट किया हुआ था कि ईयू और ये जो बाकी यूरोपियन, मतलब ये जो इंग्लैंड वगैरह है और इसके अलावा यूएस की काफी जगह, इन्होंने अपने ऑर्डर्स रोक दिए, और बांग्लादेश हो, इंडिया हो, वियतनाम हो, हम हो, हर जगह से जो है वो ऑर्डर्स अभी उन्होंने रोक दिए। एंड दे विल पुट अप अ हॉलीडे सेल और डिस्काउंट देंगे उस पर, डीप डिस्काउंट देंगे, हर साल देते हैं, इस बार कह रहे हैं बहुत ज्यादा देंगे। लेकिन तो वो डिस्काउंट्स देंगे और निकालेंगे, और उसके बाद दे विल पुट अप न्यू ऑर्डर्स। लेकिन बांग्लादेश का जो है वो काफी अच्छा नंबर आ रहा है। एक पॉसिबल रीजन माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि इस वक्त LCs खुल नहीं रही हैं और काफी उस साइड पे भी इशू हुआ हुआ है, तो एक डिमांड तो चले सेकेंड चीज होती है। पहली चीज मुझे ये लग रही है कि क्योंकि LCs नहीं खुल पा रही, तो कॉटन इम्पोर्ट और ये सारे मसले भी हैं, तो बायर्स शायद ये देख रहे हो, कुछ बायर्स जो हैं वो शायद बांग्लादेश ऑर्डर्स डाइवर्ट कर रहे हो। एक मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, क्योंकि अगर कॉटन इम्पोर्ट हम नहीं कर पाएंगे तो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे और आगे के ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे। वॉट एवर द ऑर्डर्स आर, कम भी हो गए हैं तो शायद वो ऑर्डर्स भी हम ना पूरे कर पाए जब तक हमारी LCs नहीं खुलेंगी, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ ऑर्डर्स डाइवर्ट हो रहे हो। इसके अलावा प्रॉब्ली कुछ बेस इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पिछले महीनों के जो नंबर थे और उनकी जो ग्रोथ थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, बट ये नवंबर का नंबर जो है वो काफी हाई आया है, तो अभी देखते हैं जो भी आगे अभी दिसंबर जनवरी उसमें क्या होता है। तो इसके अलावा अगर आप जनरली देखें तो काफी ग्रिम सिचुएशन है जितने भी ये बांग्लादेश की, तो गारमेंट फैक्ट्रीज में ये भी सुनने में आ रहा था कि मतलब अक्सर जो है छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं दे आर शट डाउन। तो लेट्स सी आगे के नंबर्स इसको वेरीफाई करेंगे कि किस तरह से आगे जाते हैं। सही। अच्छा, मैंने कुछ मैसेजेस पढ़े हैं, वो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि स्पेस क्रैश हो रही है। अच्छा, मेरे पास तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सायरा की आवाज़ मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है, और आज तो मैं दुबई में भी नहीं हूँ, आज तो मैं अपने गांव में बैठा हुआ हूँ, टोबा टेक सिंह में। सेलुलर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो कोई इशू नहीं आ रहा। मैं तो सायरा की बिल्कुल परफेक्टली आवाज़ सुन पा रहा हूँ, तो शायद ये आपकी तरफ इशू हो। थोड़ा सा आप अपना सेलुलर कनेक्शन वगैरह को प्लीज टेस्ट कर लें, मेरी तरफ से ये प्रॉब्लम नहीं लग रहा। अगर ये स्पेस में कोई इशू होती ना, तो स्पेस डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर सरमाया का जो सेशन है वो भी स्टेबल है, उसमें भी कोई नहीं है, तो प्लीज अपनी तरफ से एक दफा चेक कर लें। अच्छा, मेरा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कुछ दोस्तों ने हाथ रेज किया हुआ है, तो मैं मुझे बस 5 मिनट दे दें, विल फिनिश 2 क्वेश्चंस एंड देन फ्लोर विल बी योर्स। सो सारा, मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो रिसेंट ईयर्स में टेक्सटाइल कंपनीज ने काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट्स इंजॉय किए हैं, अभी कुछ चांसेस हैं कि बाई बैक्स आए? जिस तरह अभी ये बाई बैक तो कंसिडर नहीं होगी इंटरलूप की जो अभी हुई है, वो उसके शायद शेयर होल्डर ने काफ़ी बाइंग की है, तो लेकिन बैंक्स आप देख लें, लकी देख लें, तो इस सेक्टर में भी आपको कोई बायबैक के आसार नजर आ रहे हैं? अच्छा, इस सेक्टर में मैं तो इन जनरल मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे कि हेल्दी प्रॉफिट्स डेफिनेटली एंजॉय किए हैं, और जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा स्पिनर्स जो वीवर्स हैं उन बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं काफी सारे, तो वो एक तरफ तो वो हो गए। अब जो स्पिनर्स और वीवर्स हैं उनके अगर आप 1 साल के प्रॉफिट्स देखेंगे ना, तो वो तो आए इसलिए के इन्वेंट्री गेन्स इनके जो है वो बहुत हेल्दी थे, और एक्सचेंज गेन्स। तो जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी अगर से वो आप देखेंगे ना इन्वेंट्री गेन्स और एक्सचेंज गेन्स घटा के, तो वो नॉर्मल थी, दैट वॉज नॉट समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो इस वजह से स्पिनर्स और वीवर्स के जो अब प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और माइट भी कम होंगे, बिकॉज कॉटन जो है वो रिवर्स कर रही है, तो वहां पे इन्वेंट्री लॉसेस भी आ सकते हैं। हाँ, अगर हम कॉम्पोजिट्स में देखें तो एक इंटरलूप है, गुलेमद है और निशात मिल्स है और निशात चुनिया, तो इनको अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो इंटरलूप जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ वो बायबैक तो नहीं है बट ओनर्स आर शोइंग इंटरेस्ट, तो हमें भी इंटरलूप ही काफी अच्छा लगता है, और उसमें हम यही पिच करते हैं कि क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो आगे बहुत अच्छी है, और वो भी वैल्यू एडेड सेगमेंट में। तो इम्पोर्टेंट यही है कि वैल्यू एडेड सेगमेंट में ग्रोथ हो, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा मसला यही रहा है
कि जितनी भी एक्सपेंशन और जितने भी जितना भी काम हुआ है वो ज्यादातर स्पिनिंग और वीविंग साइड पे ज्यादा हुआ है और वैल्यू एडिट पे तो फोकस नहीं किया गया। पिछले जैसे आपने मेंशन किया कि 1-2 सालों में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रहे, तो उस वजह से कुछ एक्सपेंशन अनाउंस भी हुई, बट उस तरीके से नहीं हुई जितनी जितना रिक्वायर्ड था फॉर द सेक्टर टू ग्रो और टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन इन द टेक्सटाइल स्पेस। तो बायबैक इंटरलूप का अगर अगर फॉर द सेक ऑफ इट के अगर हाँ हो सकते हैं, नहीं तो इंटरलूप का मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि अगर थियोरेटिकली हम देखें तो यही होता है ना कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उससे आपका IRR हाई हो, जो भी रिटर्न आपको मिले वो हाई हो, तो वो हमें भी लगता है और डेफिनेटली वो ओनर्स को भी अगर ऐसा लगता होगा, आई थिंक लगता होगा, तो दे माइट कम एंड बाय बैक। तो क्योंकि अभी $300 मिलियन ये स्पेंड करें अगले 3-4 सालों में टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटी, डेनिम का इन्होंने जो अभी रिसेंटली ब्रेक इवन किया है जो कि काफी पहले मुश्किल लग रहा था कि ये क्या करेंगे, लेकिन ब्रेक इवन इन्होंने कर लिया। एंड इवन हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर रहे हैं, अगर आप वैल्यू टर्म्स में PBS पे नंबर्स आते हैं देखें तो 15% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, जिसमें कुछ प्राइस इम्पैक्ट होगा और कुछ वॉल्यूम इम्पैक्ट होगा, उसके बावजूद जो है वो इंटरलूप की इतनी इतनी जो है वो वॉल्यूम्स पे हिट नहीं आई है बिकॉज ऑफ द स्टिकी कस्टमर बेस। तो इंटरलूप एक ऐसा स्टॉक है जो लगता है आगे जाके कि इस पे जो है क्योंकि ओनर्स को इसमें वैल्यू नजर आएगी और ऑलरेडी ये काफी नीचे आ गया, अगर आप देखें तो ये 57-58 पे चल रहा है, तो इस लेवल पे लगता है कि जो मतलब क्योंकि ओनर्स भी इसीलिए बाय कर रहे हैं प्रॉब्ली, और जो बायबैक वाली चीज है वो तो ओनली दे कैन टेल, बट हाँ अगर हम सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस से देखें तो डेफिनेटली आ सकते हैं। सही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा माइक को क्लिक करें, नीचे लेफ्ट साइड में माइक का आइकॉन है उस पर क्लिक करें, और एक हार्ट की इमोजी या राइट साइड में उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक हाथ खड़ा नजर आएगा उस पर क्लिक कर दें, देन मैं आपका नाम बुलाऊंगा तो देन फ्लोर विल बी योर्स टू आस्क योर क्वेश्चन। सो शायद कोई इंटरनेट का इशू होगा जिसकी वजह से ऑडियंस का भी थोड़ा सा नंबर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन है सारा के मैं एक लेमैन हूँ, इन्वेस्टर हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट, बट अगर मुझे आप एक मशवरा देती हैं ब्रीफ सा इन बुलेट पॉइंट्स के इन्वेस्ट करने से पहले मेरे लिए रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स क्या होने चाहिए, मुझे कौन से कुछ पॉइंट्स देखने चाहिए ABCD, और उसके बाद आपके ख्याल में अगर आप इन्वेस्ट करेंगी तो कब करेंगी और किस कंपनी को पिक करेंगे, अगर एक कंपनी आपने या दो कंपनी पिक करनी हो इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा सबसे पहले एक सिर्फ एक लाइन में बताऊंगी कि इन जनरल मार्केट को पहले देखना चाहिए, ठीक है, सेक्टर के में हम बाद में आएंगे। तो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, तो इस वक्त जो है ना इन चीजों को देखते हुए मार्केट में फॉरेन एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए। हैविंग सेड दैट ये भी मैं कहूंगी कि टाइम करना इज वेरी डिफिकल्ट, कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो वी शुड आई थिंक वेट फॉर सम टाइम, और थोड़ी सी मार्केट में जब क्लैरिटी आती है तो मार्केट में एंटर होना चाहिए। जो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, एक तो ग्लोबल एक जो ग्लोबल रिसेशन के जो फेयर्स हैं, पाकिस्तान की जो फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है, करेंसी कैड सारी चीजें, और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस लेवल पे खड़े में ये सारी चीजें, तो इस वक्त जो है वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है अनलेस के कोई फॉरेन एड और एड नहीं सॉरी फॉरेन लोन और कोई जो अभी कोई आ जाए या जितनी कमिटमेंट्स थी वो कोई वो ऑनर हो जाए और सारे फ्लोस आ जाए। इसके अलावा अब हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें, जब मार्केट में एंट्री लेनी हो तो फॉरेन जैसे मैंने बताया कि नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी का वेट करना चाहिए। इसके अलावा जो है जब एंट्री लेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में तब लेनी चाहिए जब आपको दिख रहा हो कि ओवरऑल जो है वो कोर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, सेक्टर में एक्सपेंशन आ सकती हैं, ओवरऑल एनवायरमेंट सपोर्टिव है, जैसे कि हमने अभी बात की कि क्योंकि फिस्कल साइड पे इतना स्पेस नहीं है तो मे बी सब्सिडीज खत्म हो जाए, तो उधर से फिर मसला, क्योंकि देखें एक्सपैंड करना और सेक्टर के बेसिक्स और कोर इम्प्रूव करना ये सब इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं होगा ओवरनाइट चीजें ठीक हो जाए। लेना किसमें चाहिए,
लेना मेरे हिसाब से दो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे इंटेलूप मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये हमें सबसे अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, काफी सेफ है इन टर्म्स ऑफ स्टिकी कस्टमर बेस और मार्जिन वगैरह, तो इस साइड पे मुझे लगता है कि इंटेलूप जो है वो अच्छा, और काफी सारे ही वैसे चीप वैल्यूएशन पे, तो नॉट ओनली इंटेलूप बट इसमें जो है फर्दर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। इसके अलावा सेकेंड स्टॉक जो मुझे लगता है काफी चीप है वो है गुल अहमद। तो गुल अहमद जो है वो उसमें आइडियाज की लिस्टिंग वाला जो एक ट्रिगर था उसकी वजह से काफी अरसे से लग रहा था, क्योंकि देखिए जब लिस्टिंग होती है ना तो वैल्यूएशंस ओपन अप, तो अगर एक कंपनी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 रुपए पर शेयर आपको लगती है एंड इट्स अनलिस्टेड, एंड इफ इट गेट्स लिस्टेड तो इट कैन बी 30 रुपीज, 35 रुपीज, 40 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ पोटेंशियल। तो मे बी लिस्ट, अब इसमें क्योंकि लिस्टिंग वाली चीज जो है ना वो काफी अरसे से हैंग हुई थी, तो इस वजह से जो है वो शेयर स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। नंबर वाइज देखेंगे तो ये भी 4-4.5 टाइम्स के मल्टीपल पे होगा। इंटरलूप में जो काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो ये दो हो गए, फर्स्ट इंटरलूप एंड सेकेंड गुलेमेट टेक्सटाइल, ये दो मैं रेकमेंड थैंक करूंगी। यू, थैंक यू। और टेक्निकली भी देखें तो गुल अहमद काफ़ी हिस्टोरिकल लोज पे है, और अगर उसके सीजनल वगैरह को भी अंडरस्टैंड करें तो इस तरह के लोज के बाद ये एक काफ़ी अच्छी रैली दे देता है। तो वही जैसे ही ये सेक्टर थोड़ा सा ग्रीन होगा तो देन अच्छा परफॉर्म करेगा। हमीदुल्ला भाई आपके पास आते हैं, आपने एक क्वेश्चन भी पूछा प्राइवेटली मुझे मैसेज इनबॉक्स करके, वो मैं आपको पहले बता दूं कि नास्डाक भी यूएस की है, उसमें टेक के स्टॉक्स हैं नॉर्मली, और S&P भी यूएस की है, और वो बेसिकली 500 कंपनीज का एक इंडेक्स है, बोथ आर फॉर यूएस। पाकिस्तान से भी आप यूएस में ट्रेड कर सकते हैं, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के नाम की एक कंपनी है, वो ग्लोबल कंपनी है, वो मैं उसमें उस वो मेरा ब्रोकर है यूएस के लिए, लेकिन पाकिस्तान का मुझे सही पता नहीं। चैलेंज ये होगा कि हाउ टू सेंड द डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू योर यूएस ब्रोकर, तो वो एक प्राइवेटली अगर कोई आपको सवाल पूछना है उस पर तो मैं आपको बता दूंगा। फ्लोर इज योर, आप सवाल पूछ लें अपना हमीदुल्ला भाई। ठीक है सर, थैंक यू, मेरे मेहरबानी सर। मेरा क्वेश्चन तो दो तीन क्वेश्चन थे, लेकिन अभी ये टेक्सटाइल का क्लास है तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि हम एक्सपोर्ट बेस बिजनेस और इम्पोर्ट बेस बिजनेस जो है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिजनेस मतलब क्या कौन क्या करता है, ये पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा, जिस तरह आपने अभी कहा, अभी फरमाया कि इंटरलूप जो है वो प्योरली एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस एक्सपोर्ट बेस्ड है या इम्पोर्ट बेस्ड है? अच्छा, जो कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना तो उसके फाइनेंशियल उसमें दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो आप उसकी जब एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे तो उसमें सेल्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें सेल्स या रेवेन्यू के नाम से हेड होता है, तो उसमें ब्रेकअप बेसिकली दिया हुआ होता है, उसके साथ एक नोट होता है, आप उस नोट पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके आगे लिखा हुआ होगा कि नोट नंबर 25 पे जाए, जब आप नोट नंबर 25 पे जाएंगे तो उस पर दिया हुआ होगा कि ये कंपनी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, तो 100 रुपए में से 90 रुपए की ये एक्सपोर्ट करती है और 10 रुपए का ये लोकल बेचता है, तो उसमें ब्रेकअप दिया हुआ होता है। एक और होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस इन जनरल अगर जानना है तो कंपनी की वेबसाइट पे भी मेंशन हुआ होता है, अगर जैसे मैंने इंटरलूप काफी बार पिच किया तो इंटरलूप आप जाके उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो बताएगा कि भाई हम बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं सॉक्स के, तो वो आप देख सकते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्सपोर्ट कर रहा हो, मे बी वो का 80 रुपए का या 85 रुपीज का एक्सपोर्ट हो, तो उसको भी प्राइमरीली एक्सपोर्ट बेस्ड ही कहेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई पहले मैं देख रहा था, काफी थे माइक रिक्वेस्ट किया हुआ, बट अभी कोई मुझे नजर तो नहीं आ रहे जिन्होंने माइक रिक्वेस्ट किया हो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज माइक को क्लिक करें, लेफ्ट साइड में नीचे है, उसको क्लिक करेंगे तो देन यू विल हैव योर
question asked. जब तक अगर कोई क्वेश्चन आता है दो चार पांच मिनट दे देते हैं तो अगर थोड़ा सा समराइज करना हो सारा, अगर जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके हट के कोई आप समझती हूँ कि इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है बताना इन्वेस्टर्स को, तो आप प्लीज फील फ्री टू शेयर। हाँ, एक थोड़ी सी समरी कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया और थोड़ा सा इन जनरल जो अभी क्या चल रहा है। तो अभी हो ये रहा है कि जितने भी ग्लोबल रिटेलर्स है ना, जैसे कि हमारी प्राइमरली जो एक्सपोर्ट होती है वो होती है यूएस और यूरोपियन यूनियन, फॉलोड बाय चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो जितने भी हम ये रिटेलर्स हैं ग्लोबल, इनके इन्वेंट्रीज पाइल अप हो रही है। तो इन्वेंट्रीज का डेटा भी आता है, लेटेस्ट अभी तक नहीं रिलीज हुआ है, लेकिन न्यूज के हिसाब से मैं देख रही थी कि इन्वेंट्रीज जो है वो काफी पाइल अप हो गई है सारे रिटेलर्स के पास। इससे पहले ये हुआ था कि शिपिंग कंजेशन हुई हुई थी, जिस कंजेशन की वजह से इन्होंने ज्यादा मंगवा लिया था और सबने ज्यादा मंगवा लिया था ये अवॉइड करने के लिए कि आगे इनके पास मौजूद ना हो माल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिमांड कंप्रेशन शुरू हो गई। तो ये दोनों चीजें मिलके इनके पास काफी ज्यादा इन्वेंट्रीज पाइल अप हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, हर जगह इन्होंने अपने ऑर्डर्स स्लो डाउन कर दिए कि भाई अभी रुक जाओ और जैसे ही हम क्लियर कर लेंगे देन वील ऑर्डर अगेन। अब उसमें फिर वो देखेंगे कि उस पर कितनी डिमांड है और उसके हिसाब से वो ऑर्डर करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया वैल्यू एडेड सेक्टर जो कि हम ज्यादा यूएस और ईयू बेचते हैं। अगर हम नॉन वैल्यू एडेड सेक्टर पे आते हैं जो कि आपका यार्न हो गया, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग से धागा बनता है जो कि यार्न कहलाता है और उसके बाद जो है फिर फर्दर प्रोसेस होता है या बाहर भेज देते हैं। तो जब यार्न जो है वो हमारा ज्यादा चाइना को जाता है, अब चाइना में ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है पिछले, अगर आप 7-8 महीनों का डेटा देखेंगे ना, एक्सपोर्ट का डेटा आता है पीबीएस पे, तो उस पर अगर डेटा देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यार्न में जो है ना तकरीबन 35-40% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आया है। तो इतना तो किसी भी सेगमेंट में नहीं आया। तो ये चाइना में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है ना ये डिक्लाइन आ रहा है। और अभी पिछले एक हफ्ते में अगर आप न्यूज ट्रैक करें तो ये जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफी ईज अप हो गई हैं, क्योंकि लोग काफी जो है वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस वजह से भी, और इसके अलावा इन्हें ये भी लगा कि थिंग्स माइट गेट बेटर, तो उन्होंने अभी थोड़ी सी ईज कर दी। तो इन सारी चीजों को मिला के अगर हम देखें तो यार्न की जो एक्सपोर्ट है ना वो भी काफी जो है वो हिट हुई है और फर्दर हो सकता है कि 2-3 महीने ये लोअर साइड पे रहे। तो एक इस तरह से हम सेग्रीगेशन देख सकते हैं नॉन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एडेड सेक्टर में। और वैल्यू एडेड मुझे लगता है कि इट माइट गेट बेटर विद टाइम, जैसे कि इन्वेंट्रीज जो है वो निकल जाएंगी सारी, इट माइट गेट बेटर। लेकिन फिर वही होगा कि कंपनीज को अपने मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो ये यूएस में जब क्लियर हो जाएंगी, अब जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करेंगे या नया ऑर्डर मंगवाएंगे, तो जाहिर बात है जब डिमांड स्लो होगी तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी शायद थोड़ी सी कम प्राइस पे नेगोशिएट करने को तैयार हो जाए टू मूव देयर इन्वेंट्री। तो इस वजह से हो सकता है कि कंपनीज के मार्जिन वहाँ भी थोड़े से हिट हो जाए। ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन को देख कर तो यही लगता है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। एनएमएल के बारे में थोड़ा सा मालूमात लेनी थी। एनएमएल मतलब अभी इस लेवल पे इसका जो है लेना कैसा है? मेरे पास कोई 4-5 हजार के लगभग शेयर्स पड़े हैं, बाइंग मेरी 70 की हैं, रहनुमाई फरमाया प्लीज। अच्छा, अगर मैं फंडामेंटली देखूं, जैसे कि मैंने अभी पहले जितनी भी चीजें मेंशन की थी और कंपनीज बताई थी, तो उसमें एनएमएल इज नॉट माय प्रेफर्ड स्टॉक। सबसे अच्छा मुझे इंटरलूप लगता है और गुल अहमद लगता है उसके बाद। अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप अभी उन्हें रखे रहें, क्योंकि टेक्सटाइल में इस वक्त जो है एक तो इन लेवल्स पे उसको बेचना भी नहीं बनता। अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो एनिमल मुझे बाकियों के मुकाबले इतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो 10-12% के तकरीबन मार्जिन बनाते हैं ऑन एवरेज। और इसके अलावा जो है इसमें स्पिनिंग का पोर्शन भी है, वीविंग का पोर्शन भी है,
हो सकता है इसके मार्जिन्स, हो सकता है नहीं बल्कि डेफिनेटली इसके मार्जिन्स नीचे ही आएंगे क्योंकि कॉटन प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो बट इन जनरल अभी टेक्सटाइल में एंटर जो है इन जनरल अभी होना नहीं चाहिए, या मार्केट में ही बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने व्यू दिया था कि इस वक्त नहीं एंटर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपको होल्ड करना चाहिए, अभी रखे रहना चाहिए। वो अपने अगर 1 साल 1.5 साल के लो पर ही खड़ा हुआ है तो मे बी यू कैन कीप इट, और थोड़ा सा ये जब आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, जब आपको ये और थोड़ा सा रिटर्न देते हैं, देन यू कैन एग्जिट। तो अभी जो है आप इस पे इसको लेके रखे रहें। बोला ही अब्दुल सलाम। ओके okay. जी हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा ट्रिकी सेक्टर है, इसकी देखने में सम टाइम अच्छा परफॉर्म करता है, अगर हम करेंसी डेप्रिसिएशन को देखें तो इसको अच्छे इनके मार्जिन होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इसको परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन शायद फिर ये इंपोर्ट की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता। सारा इसका किस तरह आपने ऑब्जर्व किया है, जो करेंसी डेप्रिसिएशन का जो इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था वो आया है, या कि वो इम्पोर्ट के अगेंस्ट इनका वो न्यूट्रलाइज हो जाता है? नहीं, करेंसी डेप्रिसिएशन का डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल अगर आप सारी कंपनीज के खोलें, तो एक तो होता है एक्सचेंज गेन, तो एक तो वो आपकी अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कोर अर्निंग्स। तो कोर अर्निंग्स में ये होता है कि हम इन्वेंट्री गेन एक्सचेंज गेन निकाल कर देखते हैं कि भाई अगर ये 5 रुपए बना है तो इसमें कौन सी अर्निंग है जो कंटिन्यू करेगी, तो मे बी उसमें से 2-2.5 रुपए की अर्निंग है जो आगे भी आएगी। तो एक्सचेंज इनका डेफिनेटली अकाउंटिंग टर्म्स में बिल्कुल फायदा होता है, और करेंसी डेप्रिसिएशन का आगे भी इनको फायदा होगा अगर आप नंबर टर्म्स में देखें। और ऐसा नहीं है कि वो ऑफसेट हो जाता है इम्पोर्ट से, क्योंकि जाहिर बात है वो क्वांटम उसका बड़ा होता है, तो वो ऑफसेट नहीं होता, नेट नेट फायदा होता है। लेकिन अभी सेक्टर में दूसरे मसले हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि गैस का मसला है, वो नहीं पता कि मतलब सब्सिडी रहेगी या नहीं रहेगी, वॉल्यूम सबसे बड़ा मसला है जो कि ग्लोबल स्लो डाउन और इंटरनेशनल ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो दीज आर द बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद एट द मोमेंट। तो ये वाली चीज डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम्स है ओवरऑल सेक्टर के और जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उधर से जो हिट आ रही है पहले वो चीजें इन जनरल सॉल्व हो, पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो और ये इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो, तो उसके बाद फिर वो वाली चीजें देखनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा सारा, किसी ने आपके ना है तो डिफरेंट सेक्टर का क्वेश्चन, ईपीसीएल के बारे में किसी ने रिपोर्ट पढ़ी है आपकी, तो वो ईपीसीएल का पूछ रहे हैं। मुझे जहां तक याद है इरफान साहब ने तो 40 का बताया, लेकिन ये कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि ये मे बी 33 को हिट कर जाए समहाउ, ऑल्दो दिस इज नॉट अ टेक्निकल डिस्कशन, बट ओवरऑल मे बी व्यू दे दें अगर मुनासिब समझें तो। जी, श्योर, बिल्कुल। ईपीसीएल एक्चुअली 40, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने 40 का ही मतलब जब हमने सेल रिपोर्ट निकाली थी तो 40 पे ही निकाली थी, लेकिन हमने इसको फर्दर डाउनग्रेड किया है और हमें अभी लगता है कि 33 रुपीज का इसमें बेसिकली हमने अर्निंग्स अपनी फर्दर रिवाइज डाउन की है। उसकी रीजन्स भी मैं बता देती हूँ जो कि रिपोर्ट में हमने मैंशन किए थे। गैस प्राइसेस जो है ना, एक तो सबसे पहले चले मैं मेन प्रोडक्ट से स्टार्ट करती हूँ, पीवीसी प्राइसेस ग्लोबली। तो जो ग्लोबल पीवीसी प्राइसेस है वो नीचे आ रही है, वो पहले भी हमें कमी लग रही थी बट वो फर्दर नीचे आ गई क्योंकि डिमांड काफी वीक है पीवीसी की ग्लोबली। तो हमें लगता है कि कुछ अर्से तक जो है ये लोअर पीवीसी प्राइसेस वुड प्रिवेल। इसके अलावा गैस प्राइसेस जो है वो लॉन्ग ड्यू है इंक्रीज करना, जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक इंक्रीज नहीं की। अब इस वक्त पता नहीं है कि इलेक्शन वापस हो जाएंगे, क्या होगा, कब होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो इस वजह से गैस प्राइस जो है वो अभी तक हैंग हुई हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो लास्ट समरी आई थी ना गैस प्राइस की, वो थी तकरीबन 170-180 के डॉलर पे। तो जब वो समरी आई तो उसके हिसाब से जो गैस प्राइस इंक्रीज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 1600 1650 रुपये पर MMBTU, लेकिन एक्चुअली हमें लगता है कि ये तकरीबन 2100 रुपए पर MMBTU तक जाना चाहिए, क्योंकि 180 उस वक्त करेंसी थी। अब करेंसी आपकी जो है तकरीबन, अभी जो वैसे तो इंटरबैंक जो चल रही है वो 225 है, तो
लेकिन जो मार्केट में चल रही है तकरीबन अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखें तो 240 वगैरह बनती है। अगर 240 पे ना भी दूं, 230 पे भी मैं लूं, तो तकरीबन 2000 या 2100 रुपए पर MMBTU जो है वो गैस प्राइस होनी चाहिए। और इवेंचुअली अगर हमें IMF से डील कंटिन्यू करनी है तो वो करनी पड़ेगी, तो अभी नहीं तो 6 महीने बाद। तो हमने भी अपनी अजम्पशंस पे यही किया हुआ है कि 6 महीने बाद उसको बिल्ड किया हुआ है। हमने कहा थोड़े से क्लैरिटी आ जाए चीजों पर, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने करना ही है, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट करे चाहे ये वाली गवर्नमेंट करे। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज एक और है कि RNNG का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि अभी ये चीज नई चीज आई है तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले। तो RLNG कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ये किया कि भाई 1 दिसंबर से लेकर 28 फेब तक जो है हम RLNG पे बिलिंग होगी हमारी, क्योंकि गैस नहीं मिलने से बेहतर था कि वो RLNG पे ले लेते। तो इस वजह से एक और हिट आ गई, क्योंकि RLNG जो अभी प्राइस पड़ी है वो ओगरा के हिसाब से $14.8 पर MMBTU पड़ रहा है, जो कि बनता है 3400 रुपए पर MMBTU। तो वो काफी हाई है प्राइस, और अभी करंट जो प्राइस चल रही है ना वो 1087 रुपीज पर MMBTU चल रही है। तो ओवरऑल गैस प्राइस की वजह से मेरे जो एवरेज गैस प्राइस स्टेट की बनती है वो 2000 रुपए पर MMBTU, यानी के करंट लेवल से डबल प्राइस बनती है, जिसकी वजह से सारी अर्निंग इरोड हो रही है। अच्छा, एक और चीज, जब हमने लास्ट रिपोर्ट लिखी थी उस वक्त मार्जिन भी $427 के लेवल पे थे, उससे सितंबर में हमने रिपोर्ट लिखी थी, अभी तक 2 महीनों में मार्जिन जो है वो $337 पे आ गए, तो मार्जिन भी नीचे आ गए। तो हमने अपनी अजम्पशन ऑल्दो $370 पे रखी हुई है, वो इसीलिए रखी हुई है कि ऑयल नीचे आ रहा है तो इथाइलिन भी उसको फॉलो कर सकता है, तो हो सकता है 330 पे ना रहे तो 350-370 में भी 400 तक चले जाए। तो मार्जिन्स की वजह से, पीवीसी प्राइसेस की वजह से और गैस प्राइस की वजह से, और स्पेसिफिकली RLNG अब हमने इनकॉर्पोरेट कर दी है, तो इसकी वजह से जो हमें लगता है, और हमें एक और चीज लगती है कि RLNG का अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 महीने का, लेकिन यही चीज अगले साल और उससे अगले साल और आगे भी हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि गैस क्राइसिस हमारा फौरन तो रिजोल्व होगा नहीं, जब वो फौरन रिजोल्व नहीं होगा तो किसी तरह तो कंपनी को किसी अरेंजमेंट के साथ तो चलना पड़ेगा। तो हमने यही अज्यूम किया है कि भाई ये इस साल नहीं, अगले 2 साल भी यही होगा कि 3-3 महीने ये RLNG यूज करेंगे। ये सारी चीजें मिला के जब हमने देखा तो ओवरऑल जो है हमारी अर्निंग्स भी नीचे आती हैं और वैल्यू भी हमारी नीचे हो जाती है। तो अर्निंग्स हमारी जो हमने अभी पब्लिश की थी वो तकरीबन 1.4 रुपीज की थी फॉर 23 और 2 रुपए की थी फॉर 24, और वैल्यू हमें लगती है 33 रुपीज की। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन सारा, जिस तरह आपने इसको एक्सप्लेन किया, क्या हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक सेशन में भी कुछ दिनों के बाद जब भी आपको टाइम मिले केमिकल सेक्टर पे रख लेते हैं, केमिकल की कंपनी से गो थ्रू कर लेंगे हम। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि प्लीज आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू पीपल विलिंग टू ओपन CMT यूनिट्स। मुझे भी नहीं समझ आई, वही मैं पूछना चाह रही थी। चलें, वो ये सीमेंट तो नहीं लिखा हुआ, नहीं CMT यूनिट लिखा हुआ। पहले तो मैंने कहा शायद ये क्रिसेंट मिल है शायद, लेकिन यूनिट का कह रहे हैं शायद को मैन्युफैक्चरिंग होगा। अगर किसी स्पीकर को पता है CMT यूनिट्स का तो प्लीज अगर एक्सप्लेन कर दें तो देन मे बी सारा कुड आंसर। अच्छा, एक सेकंड थी। कैन यू प्लीज आस्क अबाउट व्हेन आइडियाज IPO विल कम, हाउ मच इंपैक्ट इट वुड हैव इन EPS ऑफ गुलामन, which one is better, NCL or Gulaman textile, how much textile shares further can go down due to interest rate further hikes? Achha, sabse pehle ideas wala answer main kar deti hu. So ideas ki listing ka honestly abhi koi idea nahi hai, but company ne jo last time से मतलब है, इससे पहले एक ब्रीफिंग हुई थी तो उन्होंने जो इंडिकेशन दिया था कि 22 में हो जाएगी, बट अभी तक नहीं हुई है। सो काफी बार ये अनाउंस हो चुकी है एंड इट इज बीन डिलेड ड्यू टू सम रीजन, तो अभी तो आइडिया नहीं है। और रिसेंटली कंपनीज में बहुत ज्यादा कमेंट भी नहीं कर रही है,
क्योंकि अभी क्योंकि देखिए लिस्टिंग के लिए जो है वो मार्केट के हालात भी अच्छे होने चाहिए, तो मुझे पर्सनली तो अभी नहीं लगता कि लिस्टिंग इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि लिस्टिंग का फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो कंपनी ने कोई इस तरह से इंडिकेशन नहीं दी हुई है कि रिसेंटली कि अभी क्या होगा, और फर्दर गोइंग फॉरवर्ड जो है वो मुझे नहीं लगता एटलीस्ट 5-6 महीने इसकी लिस्टिंग होगी। सही। अच्छा, इस सेक्टर में अगर देखें तो ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो इतना डिविडेंड तो नहीं देते, लेकिन क्या वजह है कि एनसीएल के डिविडेंड जो यील्ड है ये काफी हाई है, और डिविडेंड ना देने की इतनी क्या वजह है कि ये ग्रोथ कंपनीज और री इन्वेस्ट करते जाते हैं या कोई और रीजन है? अच्छा लास्ट सॉरी मैं लास्ट क्वेश्चन पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जब आइडियाज की लिस्टिंग की हम बात कर रहे थे तो उसमें यही होता है ना कि जब आप लिस्टिंग के लिए आते हो तो इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप इस इन हालात में आएंगे तो अगर इन्वेस्टर की मैक्सिमम आपको अट्रैक्शन चाहिए तो उसके लिए आप उस वक्त लिस्ट करें जिस वक्त हालात अच्छे हों, जैसे इंटरलूप ने अपना लिस्टिंग की थी। और रेट भी जो है ना, जैसे मैंने बताया था कि वैल्यूएशन खुल जाती हैं लिस्ट होने से, तो रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप जो डिविडेंड्स की बात कर रहे थे उसमें एस्ट्रेलिया की जो है वो यील्ड अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि वो रीइन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कंपनीज ने एक्सपेंशन अनाउंस की थी, जैसे गुलेमन है उसने अपनी स्पिनिंग में एक्सपेंशन की है, इंटरलूप है इट्स क्वाइट केपेबल ऑफ गिविंग आउट डिविडेंड्स, लेकिन उसका भी यही है कि वो अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि इस वक्त जो है फिर वो रिटेन ज्यादा करेंगे। तो उनके $300 मिलियन जो है वो लगा रहे हैं इन वेरियस यूनिट्स, तो वो स्पिनिंग में भी कर रहे हैं, वो उसमें डेनिम में भी कर रहे हैं, होजियरी भी में कर रहे हैं, तो वहां पे वो सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। गुलामत का जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो है वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो करते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा डिविडेंड्स जो है वो सेक्टर नहीं देता। बट इन फ्यूचर यही है कि जब व्हेन दे गेट स्टेबल, मतलब नॉट वेरी सून मे बी, लेकिन ये कि 1-2 साल 3 साल जब थोड़ी सी एक्सपेंशन हो जाए, दे कैन यू नो एक स्टेबल एक्सपोर्ट बेस बन जाए, उसके बाद जो है दे कैन गिव आउट डिविडेंड्स। सही, थैंक यू। अच्छा, सीएमटी का ये लिखा है इन्होंने कि सीएमटी यूनिट्स डोंट मेक टेक्सटाइल फाइबर, दे जस्ट प्रोक्योर गेट फाइबर मटेरियल एंड स्टिच इट इनटू फिनिश्ड अपैरल्स फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट। ये मेरे मुझे लगता है कि जो बाजार से लेके फाइबर वगैरह और उसके कपड़े बना के इंटरनेशनल को करते हैं, उनके बारे में शायद ये स्कोप पूछना चाह रहे हैं कि उनके बारे में क्या ख्याल है अगर कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहे तो। अच्छा, बेसिकली इसकी हमारी कोई लिस्टेड कंपनी एज फार एज आई नो कोई है नहीं। अगर इन जनरल एक लेमन टर्म्स में आंसर करना चाहूँ तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ लो मार्जिन बिजनेस होगा मेरे हिसाब से, कि अगर खाली आप लें और उसको खाली स्टिच करें और फिर आप बाहर भेज दें। और इससे बेहतर ये, मतलब अगर कोई बाहर की कंपनी है और वो अगर ये वाला ऑर्डर देना चाहेगी तो दे माइट गिव इट टू सम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, जो कि जैसे अभी गुल अहमद है या इंटरलूप है या निशात मिल्स है, जो कि ऑलरेडी गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। निशात मिल्स भी काफी बड़ा है गारमेंट्स में, तो मे बी दे विल गेट दोज ऑर्डर्स और उस पर थोड़ा सा वो मार्जिन कमा लेंगे। स्टैंड अलोन पे इसको करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हाई मार्जिन बिजनेस होगा। सही सही। मुझे लगता है कि शायद आज कोई फुटबॉल मैच है, मुझे शायद कुछ पता चल रहा है इधर से चैट से, इसलिए थोड़ा सा हमारी पार्टिसिपेशन आज मुझे हाफ से भी कम लग रही है। बट ये सेशन भी रिकॉर्डेड होगा लाइक आवर प्रीवियस सेशंस, तो इसको सरमाया टीम जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे कल परसों तक, और इस टाइमलाइन पे भी पड़ा रहेगा 1 वीक तक। आप इसको जब भी इसी लिंक को क्लिक करेंगे तो इसी टाइमलाइन पे आप इसी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। उसके अलावा सरमाया के कुलीग्स जो हैं इसको एप्पल पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट पे भी अपलोड कर देते हैं, तो ये ऑडियो आपको हर जगह मिल जाएगी सरमाया के चैनल्स पे, तो आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो हमीदुल्ला, आपका क्वेश्चन है, आपने दोबारा माइक रिक्वेस्ट किया, हमीदुल्ला का क्वेश्चन लेके फिर इसको क्लोज कर देते हैं, 1 आवर होने वाला। जी सर, मेरा क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन है, अगर मैम इसकी जवाब मुनासिब समझी तो दे दे।
डिफॉल्ट कंपनी के बारे में मैंने कुछ देखा कि जिस कंपनी की ज्यादा डेट होते हैं वही कंपनी डिफॉल्ट होती है, लेकिन मैम अगर एक्सप्लेन करें कि डिफॉल्ट कंपनी डिफॉल्ट क्यों होती है, इसकी मेन वजह क्या है, और जब डिफॉल्ट होती है तो इसके बाद इसकी सर्वाइवल की क्या चांसेस होती है और क्या तरीक़ाकार होता है? अच्छा, डिफॉल्ट बेसिकली ये होता है, डिफॉल्ट कंपनी होती है कि जो लोन लिया हुआ होता है ना कंपनी ने, तो वो उसको रीपे नहीं कर पाती। यानी मैं बहुत ही आम लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि अगर 100 रुपए का लोन लिया हुआ है और उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना है और वो नहीं पे कर पा रहे, और एंड में फिर वो प्रिंसिपल भी नहीं पे कर सकते, मतलब कंपनी ऐसी पोजिशन पे आ गई है कि अब वो पैसे वापस नहीं कर सकती, तो वो डिक्लेयर कर देती है अपने क्रेडिटर्स को जिन्होंने उनको लोन दिया होता है कि अब हम इसको रीपे नहीं कर सकते, तो कंपनी डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाती है। अब डिफॉल्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं सीसीपी के, कंपनी की जनरली ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है और उसके बाद उन्हें कुछ सर्टेन टाइम दिया जाता है कि आप ये चीज़ें अचीव करें, तो उसके बाद जो है आपको डिफॉल्ट काउंटर से निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद ये तरीकाकार होता है, या तो कोई और कंपनी हो उसको आप में वैल्यू दिखे और वो खरीद ले और उसको रिस्ट्रक्चर कर दे, या तो एग्जिस्टिंग जो आपके जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है वही वही लोन को रिस्ट्रक्चर कर दें। वो ये कहें कि भाई ठीक है, हम आपको 2 साल का और टाइम दे रहे हैं, हमें लगता है कि कंपनी जो है वो बेहतर कर लेगी आगे जाके, और आपको ये चीजें फॉलो करती करनी है। आप आगे डिविडेंड भी नहीं दे सकते और आप फर्दर कोई और लोन भी नहीं दे सकते, हम जो है आपको इतना टाइम दे रहे हैं और इसमें आप अपना लोन रिस्ट्रक्चरिंग वाला जो है पूरा वो चीज फॉलो कर सकते हैं, और मे बी इस तरीके से जो है आगे आप इस जगह पे आके खड़े हो जाए कि आप पेमेंट के काबिल हो जाए। और दूसरी चीज ये होती है कि कोई और आपको खरीद ले, जैसे कि मैंने मेंशन किया, तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। थैंक्स लॉट, यू वेलकम। अच्छा, सॉरी। नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा था कि मैं पढ़ रहा था साथ में मैसेजेस, वहाँ पे काफी दोस्तों ने इसका लिखा हुआ है, नेट का कनेक्शन, बट हमारी तरफ से तो कोई इश्यू नहीं है। सारा की आवाज़ बिल्कुल परफेक्टली थी, जबरदस्त आ रही थी, और मैंने सरमाया टीम से चेक किया, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो मे बी को इंसिडेंटली आप लोगों का नेटवर्क एक हो, शायद मैं गैस ही कर सकता हूँ। उसके अलावा सी एम टी मीनिंग कट मेक ट्रिम इट इज सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। ओके, किसी ने उसका जवाब दिया। व्हाट इज PSX लास्ट 5 ईयर कैगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर? एज वी नो दैट करेंसी डेप्रिसिएशन इज अप्रोक्सीमेटली 5 से 6%। ये अगर आपको हो पता या ना हो तो रहने दें। 5 साल का कैगर क्या होगा हमारा इन टर्म्स ऑफ डॉलर PSX का, सारा हाँ, दिस पता आई है हैव टू या? चेक। हाँ, आई एम अफ्रेड अभी ओके मैं ठीक एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी इसका। है, ठीक है, चलें। 1 आवर हो गया, इसको एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग होगी, जो नहीं सुन पाए सुन लेंगे, शायद अभी कुछ दोस्त फुटबॉल के मजे ले रहे हूं। तो सारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट सेशन। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा सेपरेटली के केमिकल पे बात कर लेते हैं आने वाले हफ्तों में। तो आपका बहुत बहुत जी जी शुक्रिया, श्योर, आपने टाइम दिया। इंजॉय योर नो वीकेंड। इश्यू। सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाल के तो पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक अलॉट सर। यू, अल्लाह हाफिज।